अंकल आप रानू के ख्वाब टूटने मत दीजिएगा। रानू की शादी दावर से मत करवाइएगा। मेरी कोई बात हुई है? बस मैं आपसे कह रहा हूँ ना अंकल, बल्कि आप इसको मेरी रिक्वेस्ट समझें। रानू बहुत मासूम है, रानू के ख्वाब जरूर पूरे होंगे। आप देखिएगा, वो इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े घर में जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं वादा करता हूँ रानो, तुम्हारे सारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। मैं लौट आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा खाला, हम अब मजार जाना चाहते हैं, तो आप हमें यहीं रोक दें। यहीं रोक दें भाई, यहीं रोक दें। रानू मजार जाएगी यहाँ से पहले? नहीं, मजार जाने का तो झूठ बोला है मैंने चीमू की माँ से। हाँ तो फिर कहाँ जाएगी? हवेली, मीर साहिर से मिलने। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? नहीं शन्नू, ये मैं नहीं कर रही, ये तो खुद ब खुद हो रहा है। उधर चीमू के ससुराल में मुझे नींद नहीं आती, हर टाइम साहिर का ही ख्याल आता है। शन्नू क्या वो भी मुझे इसी तरह याद करता होगा? पता नहीं, ये तो तू उसी से पूछ। हाँ पूछूंगी। क्या ये तू मीर साहिर से पूछेगी? अभी खुद ही तो कहा कि पूछ लेना उससे। रानू होश कर, लड़कियां खुद से ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। और मुझे एक बार बता, उसने कौन सा तेरे लिए रिश्ता भेज दिया है? अच्छा चल नहीं पूछती, लेकिन वो खुद ही बता देगा, देख लेना। वो भी मेरी याद में पागल होगा, उसे भी नींद नहीं आती होगी। अगर आप नींद से जाग गई हो तो चले आप यहाँ से। हाँ हाँ चल चल चल। देखो बेटा, इस हवेली और जमीनों का कोई तो वारिस होना चाहिए, इसलिए हम दानियाल की औलाद चाहते हैं। वो तो आप ठीक कह रहे हैं बाबा जान, लेकिन हम समझते हैं बेटा, लेकिन खुदा रहा
तुम इस हवेली की खामोशी को भी समझने की कोशिश करो। माँ जी, हम बच्चा गोद भी तो ले सक। ये नामुमकिन है बच्चे, ये बात हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे? सिर्फ खामोशी। मतलब माँ जी? हम दानियाल की दूसरी शादी करवा रहे हैं और तुम्हें खामोश रहना होगा, और इसी में हम सब की और इस हवेली की बेहतरी है। तीन चार लड़कियां हैं खानदान की, जिनमें से किसी के साथ भी दानियाल की शादी हो सकती है, और तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम अपना दिल मजबूत कर लो कि ये सब कुछ होना है। देखो बेटा, दूसरी शादी के बाद तुम्हारा रुतबा और मकाम वही रहेगा जो अभी है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ हैं। और दानियाल क्या चाहते हैं बाबा जान? वो भी राजी है। हमने बात की है उससे, सोविया किस तकलीफ से गुजर रही है मैं समझती हूं, लेकिन हम इसे कैसे समझाएं? सालेहा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस तुम्हें इस मामले को इंतहाई प्यार और मोहब्बत से लेकर चलना होगा। जी मीर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देख रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू ऐसा कर, तू वहाँ बैठ जा, बस मैं आती हूँ दो मिनट में, सही है? अच्छा चल, जल्दी आना, ठीक है? तू फिकर मत करना, बस मैं यूं गई और यूं आई, तू वहाँ बैठ जा, ठीक है? प्लीज सोबी, ये रोना बंद करो। खामोश रहो दानी, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। झूठे निकले तुम, क्यों कहा था मुझसे कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? हाँ, मैं आज भी नहीं चाहता सोबी, लेकिन मैं क्या करूं? माँ जी ने अपनी जान की कसम दे रखी है, क्या अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो जान दे देंगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मानी तो उन्हें? समझने की कोशिश करो सो, देखो कोई जुल्म नहीं हो रहा है तुम पर, माँ जी ने कहा है तुम्हारा रुतबा वही रहेगा जो आज है, और मेरी मोहब्बत भी वैसी रहेगी जैसी आज है। फिर तुम्हें क्या परेशानी है सोफी? तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है ना दानी, इसीलिए कह रहे हो तुम। मेरी जगह होते ना तो फिर पूछती तुमसे मैं। मुझे अंदाजा है
तुम्हारे लिए फैसला आसान नहीं है, है अंदाजा मुझे। बहुत कुछ सहना पड़ेगा तुम्हें, जानता हूं मैं। तो क्या मैं नहीं सहूंगा तुम्हारे साथ? मैं भी तो परेशान हूं। देख लिया मैंने कि तुम्हें कितना एहसास है, चुपचाप माँ बाप के सामने गर्दन झुका दी। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते दानी, मेरा शक ठीक था, ठीक था मेरा शक। ऐसी बात नहीं है सोबी, नहीं है ऐसी बात। मैं तुमसे वादा करता हूं सोबी, मैं तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखूंगा, इसी तरह मोहब्बत करता रहूंगा जैसे आज करता हूं। देख ली मैंने तुम्हारी मोहब्बत दानी, जाओ अपने माँ बाप के पास, मेरे पास आने की अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जुलेखा, कोई काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। हाँ, तुमसे कहा था गंदम स्टोर में रखवाओ, तुमने किचन में रखवा दी, और वो चाय के बर्तन अभी तक वहीं के वहीं पड़े। जाओ जाके उठाओ। सलाम माँ जी। अरे वालेकुम सलाम, आ गई तुम? जी माँ जी, सिर्फ दो दिन तो रही उधर, फिर सीधा इधर ही आ गई। आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता ना, इसलिए रास्ते से उतर गई। बहुत अच्छा किया, चल अब आ गई है तो जाके काम देख ले। सलाम सुबिया जी। माँ जी, सोबिया जी को क्या हुआ है? बड़ी गुस्से में थी। तू जा बिशारत के साथ काम देख। जी। ड्राइवर, गाड़ी लेकर आओ। बाबा की तरफ चलो। तुझे क्या हो गया अब? जा जो काम का है ना वो कर जाके। अम्मा, अब मैं उस हवेली में वापस नहीं जाऊंगी। वो दानियल की शादी करा रहे हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। अरे बेटा, वो लोग तो कब से ये बात कर रहे हैं, मगर दानियल तो दानियल मान गया है। अम्मा, मान गया है दानियल। माँ जी ने उसे अपनी कसम दी थी। अम्मा, अब्बा से कहो ना कि दानियल को बुलाकर उसे समझाएं। ये तो एक ना एक दिन होना ही था बेटा। देख सोबिया, मैं मर्दों की फितरत को अच्छी तरह जानता हूं, ये तो उसने करना ही था। और सच्ची बात पूछ, ये उसका हक भी है। लेकिन लेकिन बाबा, आप तो कह रहे थे कि खुदा ने तुझमें कमी रखी है, इसलिए अब तुझे ये सब्र करना ही होगा। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। आप भी उसी की हिमायत कर रहे हैं बाबा, और मेरी कोई फिक्र नहीं आपको? फिक्र तो हमेशा रहती है, लेकिन तू क्या समझती है कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं? शहर से लेकर गांव तक कोई डॉक्टर कोई हकीम नहीं छोड़ा जिससे तेरे इलाज की बात न की हो, लेकिन मुझे किसी ने उम्मीद नहीं दिलवाई। अब तेरे नसीब में औलाद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? लोग तो दो दो तीन तीन शादियां करते हैं, और तो क्या उनकी औरतें नहीं रहती साथ? अच्छी औरत वही है बेटा जो अपना घर बसाए। बस तू भी खामोश हो जा,
सारी औरतें जैसे नहीं होती बाबा, कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपना घर उजाड़ देती हैं। तो फिर शुरू हो गई। कितनी बार समझाया है तुझे, तेरी समझ में क्यों नहीं आता कि आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। बस मैं आपसे कह रही हूं मां, दानियल की मैं दूसरी शादी किसी सूरत नहीं होने दूंगी। असमत, शादी से तो अब उसे कोई नहीं रोक सकता, अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा जिससे सौभिया का घर भी बच जाए और मीर शुजात को हवेली का वारस भी मिल जाए। अरे जायदा, तुम परेशान क्यों होती हो भाई? हमसे जहां तक हुआ हम करेंगे, और हाँ मैं मीर साहब से भी बात करूंगी, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, बस शादी की तारीख रखो तुम। अच्छा, खुदा हाफिज। माँ जी मैं जाऊं, अम्मा भी आ गई होंगी। हाँ ठीक है, जाओ कल अपनी अम्मा के साथ ही आ जाना। जी शुक्रिया। अच्छा सुन, जाती दफा जरा बशारत से पूछना कि दानियाल ने खाना खाया या यूं ही चला गया। उनकी गाड़ी बाहर तो खड़ी थी, शायद वो कमरे में होंगे। माँ जी मैं ऐसा करती हूँ कि मीर दानियाल और मीर साहिर दोनों का खाना कमरे में भिजवा देती हूँ, बल्कि मैं खुद दे आती हूँ। अरे सुन, मीर साहिल तो आज सुबह ही चला गया लंदन पढ़ाई के लिए, अब तो माशाल्लाह पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वापस आएगा। जब तुम